आवाज हर भारतीय की वीके टाइम्स न्यूज़। खरगोन जिले के सिगनूर और धुलकोट गांव में एक बार फिर एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर दो एसडीपीओ, साइबर सेल की टीम और 5 थानों के पुलिस बल द्वारा रेड डालकर अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा कुल 14 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। इसमें गोंगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर से 12 अवैध देसी पिस्टल और भगवानपुरा थाना क्षेत्र के धुलकोट से 2 अवैध देसी कट्टे जब्त करते हुए 3 आरोपियों को जयपाल सिकलीगर निवासी सिगनूर, गोविंद सिकलीगर निवासी बुरहानपुर और आरोपी गोपाल सिकलीगर निवासी सतीपुरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस बार रेड में ड्रोन कैमरे सहित मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया है ताकि आरोपी भाग न सके। एसपी धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस द्वारा 2 थाना क्षेत्रों में रेड की गई है, जिसमें गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर और भगवानपुरा के धुलकोट में रेड डालकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपियों के कब्जे से 14 अवैध देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी है। पुलिस द्वारा इनकी सप्लाई चेन की खोजबीन में जुटी है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे सहित मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया गया है, क्योंकि इन आरोपियों द्वारा अवैध पिस्टल का निर्माण कर उन्हें खेत या गड्ढे में दबा दिया जाता है। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट, पीके टाइम्स न्यूज के लिए। इसमें भगवानपुरा थाना क्षेत्र और गोगावा थाना क्षेत्र के जो इलीगल वेपन्स के लिए नोन गाँव है सिगनूर और धुलकोट, इन दोनों गाँवों में लेट नाइट एक बड़ी रेड हुई और रेड के दौरान इसमें 3 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं और तीनों की रिकवरी से और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में 14 इलीगल वेपन्स जब्त हुए हैं। इसमें 12 पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टे हैं। सिगनूर की जो रेड हुई है उसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं जिनसे 12 पिस्टल मिली हैं और धुलकोट की रेड में 2 अवैध कट्टे बरामद हुए हैं। इन आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है, फर्दर इनकी जो लिंकेजेस हैं उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्योंकि पुराने भी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और इनके जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये बनाने के बाद इनकी सप्लाई चेन क्या है, इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी इनके अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये पूरे ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया गया, क्योंकि जिस तरह की टेराइन है, जिस तरीके का लोकेशन है, उसमें जनरली रेड के दौरान भागने की कोशिश करते हैं। तो इस बार पुलिस टीमों ने ड्रोन कैमरे का उपयोग किया, उससे भी काफ़ी सफलता मिली है। इसके अलावा जो इलीगल वेपन से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना बनाते हैं, तो उसको आसपास के क्षेत्रों में गड्ढे में या खेत में दबा देते हैं, उसके लिए मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया गया था, उससे भी काफ़ी मदद मिली है।